स्टूडेंट खबरें एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जिसे हम RGIPT भी कहते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे कि बेसिकली ये कहाँ लोकेटेड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल एंड अदर फैसिलिटीज के बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। नाउ हम बात करते हैं RGIPT। बेसिकली आज हम जिसके बारे में बात करने वाले, वो कैंपस लोकेटेड है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ये AICTE अप्रूव्ड है। एंड अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2007। बेसिकली इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, बट काफी सारे कोर्सेज ये आपको पढ़ाते हैं। UG लेवल, PG लेवल, PhD लेवल कोर्सेज भी आप यहाँ पे इजीली परस्यू कर सकते हैं। एंड अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स लाइक गेट, JEE एडवांस, CAT, ZAT, CMAT, GMAT जिस एग्जामिनेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है एडमिशन। अगर हम बात करें कि कितना दूर और कितना पास है, तो 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम JS रेलवे स्टेशन से ये आपको लोकेशन इसकी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सम ऑफ द कोर्सेज लाइक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, यानी MBA आप करना चाहते हैं, तो 4 स्ट्रीम्स में आप यहाँ से MBA कर सकते हैं। आप एनर्जी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप यहाँ पे MBA कर सकते हैं। एग्जाम जो ये एक्सेप्ट करता है वो है CMAT, GMAT एंड CAT एंड XAT जैसे एग्जामिनेशन ये करता है एक्सेप्ट। दूसरे कोर्स की बात करें तो आप MTech भी पढ़ सकते हैं, जिसमें गेट के बेसिस पे मिलता है एडमिशन। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको दो स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम आगे बात करें तो आप BTech भी यहाँ से कर सकते हैं, यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 4 साल का कोर्स होता है। 4 स्ट्रीम्स में भी आप कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो जिस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन, वो है JEE एडवांस। नेक्स्ट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, PhD लेवल कोर्स करना चाहते हैं, 23 स्ट्रीम्स ये ऑफर करता है। सम ऑफ द स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग, इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, केमिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी, जैसे कुछ स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। 23 स्ट्रीम्स बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, यानी MTech प्लस BTech भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। JEE एडवांस के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन। ये कुछ पॉपुलर कोर्स हैं, उनकी स्ट्रीम्स थी जिसके बारे में हमने जाना, जो आपको पढ़ने को मिलता है RGIPT यूनिवर्सिटी या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के अंदर। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप BTech कर रहे हैं तो आपका 10+2 विद 75 एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एंड प्लस JEE एडवांस आपका क्या स्कोरिंग रहा है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। MBA कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड CAT के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। फिर आपको देना रहता है यहाँ पे एग्जामिनेशन, जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो 10+2 प्लस मेरिट एंड आपका जो भी स्पेशलाइज्ड जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस पे मिलता है एडमिशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री चेकआउट होती है एंड वहीं अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री चेकआउट होती है। तो ये तो बेसिक एडमिशन प्रोसेस है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो ये आपको प्लेसमेंट भी ऑफर करता है। काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर आपको मिल जाती है। सम ऑफ द कंपनीज अगर हम नाम ले तो पॉपुलर कंपनीज लाइक TCS, टाटा स्टील्स, इन्फोसिस, विप्रो, ONGC एंड अगर हम SR ग्रुप की बात करें तो वो भी यहाँ पे आते हैं। शेल, टेक महिंद्रा, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, AIG ग्रुप, इंफ्रालाइन एंड ये कुछ पॉपुलर रिक्रूटमेंट कंपनीज है जो यहाँ पे आती हैं। अगर हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी कंफर्टेबल हाईएस्ट एंड लोएस्ट पैकेजेस। एंड यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है ये हमने जनरेट की ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू फॉर्म, जो स्टूडेंट खबरी प्रोवाइड कराता है। अगर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी रिलेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कॉलेजेस से रिलेटेड, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिससे हमको मिलती है इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली फिर हम और स्टूडेंट्स तक भी पहुँचा देते हैं। तो उसके बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेजेस जो स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है वो 13-14 लाख के बीच में गए हैं। वहीं अगर हम एवरेज की बात करें तो वो रहता है 9-10 लाख के बीच में। वहीं हम मिनिमम की बात करें तो 2-3 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे एक कंफ्यूजन अभी ये भी है कि यार कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये सारे पैकेजेस हैं या फिर कौन सी स्ट्रीम के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उनने मेंशन नहीं किया है, दैट इज द रीजन हमको आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। बट यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि और
स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड इन केस अगर आपको इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो आई सजेस्ट यू कि आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करें, डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि पिछले बार का पैकेज कितना गया है या क्या वहाँ का प्लेसमेंट चल रहा है, रिक्रूटिंग कंपनीज एरियाज फाइनली आपको कितने मिले हैं लास्ट ईयर से लेके इतने साल तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाती है। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लेसमेंट। नाउ अगर हम बात करें यार आपको फैसिलिटीज कौन सी अवेलेबल होती है, अगर आप कहीं बाहर से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप हॉस्टल फैसिलिटीज अटेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन की हम बात करें कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराता है, तो सम ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज जो ये प्रोवाइड कराता है आपको देता है कंप्यूटर लैब्स, हॉस्टल फैसिलिटीज, जिम, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, लेबोरेटरीज है इसके पास अलग अलग, आप यू नो वर्क ऑन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल स्किल एनहांस हो सकती है, ऑडिटोरियम एंड कम्युनिकेशन सेंटर भी इसकी कुछ बेसिक फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड कराता है। नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्या हम इसको रिव्यू देते हैं, स्टूडेंट खबरी एक रिव्यू देने वाला है इसको कि यार कैसा ये यूनिवर्सिटी है, कैसे इंस्टीट्यूट है, किस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने 6 पैरामीटर डिसाइड किए हैं, एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, अकोमोडेशन, सोशल लाइफ एंड फैकल्टी के बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस बेसिस पे क्या इसकी 1 to 10 पे ओवरऑल रेटिंग हो सकती है। तो अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया क्लेम नहीं किया है उन्होंने ऑफिशियली कहीं पे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके बेसिस पे हम इसको रेट करते हैं 6.8 out of 10। वहीं अगर हम फैकल्टी की बात करें तो 8 out of 10 हम इसे रेट करते हैं। सोशल लाइफ अगेन डिपेंड करती है यार आपको कौन सा बैच मिल रहा है, क्या एनवायरनमेंट है, कैसा स्ट्रक्चर, आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं, बट अभी तक जो एक्सपीरियंस लोगों ने बताया है वो उनका बेसिक ही रहा, यानी 8 out of 10 हम यहाँ पे रेट करते हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है, डोंट वरी, यहाँ पे हम 8.1 out of 10 यहाँ पे रेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी स्टूडेंट्स ने इंप्रेसिव रिव्यूज दिए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम फाइनल रेटिंग दें तो हम रेट करते हैं 9 out of 10। फाइनली अगर हम बात करें अकोमोडेशन की तो यहाँ पे 8.5 out of 10 अकोमोडेशन में हम इसको रेट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें कुछ और कोर्सेज के बारे में भी जाना है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जाना है, तो वो हमें कैसे मिल सकता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हम अपडेटेड लिंक्स वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं एंड आपको पता चलता रहेगा कि क्या अपडेट आई है, क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पर। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है, तो आप हमसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करके उसे सॉल्व करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कॉल या मैसेज करिए, आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर से बात करेंगे एंड देन आपकी सारी क्वेश्चन क्वेरी डाउट सॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स इट, दिस वाज मी नेमिसा जचानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस एपिसोड।